हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप लोग GNTST एंड PNST नर्सिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स पब्लिकेशंस की बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल नर्सिंग एवं प्री नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा के लिए बुक है। इसमें आपको नवीनतम सॉल्वर पेपर्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको नवीनतम सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये बुक तैयार किए गए हैं। चलिए इस बुक के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इस बुक का सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल नर्सिंग एवं प्री नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा GNTST एंड PNST के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे विषय सूची दिया गया है, और इस बुक में आपको सबसे पहले 2019, 2020 एंड 2022 का सॉल्वर पेपर्स मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड जीव विज्ञान के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखोगे तो देखिए, एक क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, चैप्टर है मेजरमेंट मापन। इसमें आपके थ्योरी दिए गए हैं, और थ्योरी के बाद दोस्तों जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसके बाद दोस्तों इसके उत्तर माला भी आपको मिल जाएगा। तो यह सैंपल है। बाकी अगर आप लोग इस बुक को बाय करने वाले हो तो दोस्तों आप लोग बुक शॉप पर जो है इस बुक को बाय कर सकते हो, साथ ही अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन आप लोग बाय कर सकती हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से आप लोग इस बुक को बाय कर लो, चेकआउट जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार आप लोग देख लो, वहाँ पर आपको प्रभात एग्जाम्स के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, साथ ही अमेजॉन का भी लिंक दिया गया है और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इस बुक को आप लोग 2 सेकंड के अंदर बाय कर सकते हो। तो बुक को बाय करिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूँ। मेडिकल कॉलेज भर्ती 2023। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में 5174 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, इसके अलावा ग्रुप डी और भी बहुत सारी पोजीशन पर परमानेंट भर्ती लेकर आ चुका हूँ। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑल इंडिया भर्ती होगी। इसमें दोस्तों पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी आ चुकी है, 5000+ वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दोस्तों आप लोग 10 मई से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और 10 मई से आपका लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। आज है 11 मई, लेकिन आज दोस्तों नहीं, कल से ही, यानी कि 10 मई से ऑनलाइन शुरू हो चुका है, और आप लोग 25 मई 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और फुल नोटिफिकेशन के बारे में, एंड किस पेज पर आप लोगों को फॉर्म भरना है, यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां से आप लोग फॉर्म को भी भर सकते हो। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन पर। फुल नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर आपको वेबसाइट दिखाएंगे जहाँ से आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तो चलिए चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों आप लोग एक बार देख सकते हो, ये फुल नोटिफिकेशन जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ पे 22 पेज का दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है ओपन किया गया है। और सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखोगे तो क्लिक हेयर फॉर अप्लीकेशन फॉर्म क्वालिफिकेशन सिलेबस, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए तो 25 मई इसकी लास्ट डेट है, और 10 मई से ऑनलाइन शुरू हो चुका है, और ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे वैद्यकीय शिक्षण एवं संशोधन मुंबई, ये वैकेंसियाँ हैं, और यहाँ पे जो है प्रयोगशाला, देखिए लैब टेक्नीशियन की वैकेंसियाँ होंगी। तो ये दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी है DMER मुंबई, DMER मुंबई से वैकेंसी निकाली गई है, और जॉब लोकेशन आप लोगों का मुंबई यहाँ पे दोस्तों होने वाला है। जैसे कि देखोगे 22 पेज का नोटिफिकेशन है, और अभी वैकेंसी के ही बारे में जानकारी फ़िलहाल दी जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख लेना, सब कुछ अच्छे से इन्होंने मेंशन कर रखी है। एज क्राइटेरिया में OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एंड SC ST वालों को दोस्तों 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। ये दोस्तों एज क्राइटेरिया है। बाकी चलिए मैं आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोग देखोगे
तो 8 पेज का एक क्वालिफिकेशंस पीडीएफ जारी किया गया है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, DMER मुंबई, पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जानकारी है। टेक्निकल कैडर के बारे में बताया गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है ना, ये आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेना। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों ग्रंथपाल जो था, ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एंड डाइटिशियन की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। और फार्मासिस्ट में दोस्तों जो डी फार्मा है यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, वे यहाँ पे फार्म को अप्लाई करेंगे। और एंड यहाँ पे देखोगे तो OT की वैकेंसी है, महिला अधीक्षिका वार्डन की वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एक्सरे असिस्टेंट डार्क रूम असिस्टेंट की वैकेंसी, फिजियोथेरापिस्ट की वैकेंसी, डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। एंड यहाँ पे देखोगे तो टेलर की वैकेंसी, डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी है। एंड आप लोग देखोगे तो और भी बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं। नर्सिंग की भी यहाँ पे वैकेंसी है। और मैं बता देता हूँ आपको कि नर्सिंग की जो है 3,900 वैकेंसी है। जो स्टाफ नर्स है, और स्टाफ नर्स की जो है लगभग 4,000 वैकेंसियाँ दोस्तों रखी गई है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं रिक्रूटमेंट पेज पर। और ये देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी कुछ मराठी लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। क्लियर दोस्तों? बाकी चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ रिक्रूटमेंट पेज पर। और यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों रिक्रूटमेंट पेज है, और इस पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग जो हैं इस पेज पर आने के बाद जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलने वाली है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। और ये एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन लिंक पर आओगे तो यहाँ पर देखोगे डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसा कि देख सकते हो, यहाँ से नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। PDF का ऑप्शन है, फुल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, लॉगिन, लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर के आगे यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके दोस्तों आप लोग फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकती हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को लॉगिन करना है, और फिर दोस्तों आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए 10 मई से यहाँ पे ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, 25 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। बाकी फॉर्म भरते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर टेक्निकल दिया गया है, 9195132520 88, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।